त्योहार कोई भी हो, लेकिन उसकी रौनक बाजारों में, घरों में देखने को जरूर मिलती है। मेरे हाथ में दिया है और इसे देखकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि मैं आज बात करने वाली हूँ दिवाली पर बनाए गए इन दीवों की, कि किस तरह ये दिए बनाए जाते हैं और किस तरह इसके पीछे बनाने में कितनी मेहनत लगती है। लेकिन हम सिर्फ इसे ये कहकर कि ये सिर्फ मिट्टी का बना है छोड़ देते हैं, पर इसके पीछे जितनी मेहनत लगती है, कैसे बनाया जाता है, कितनी बारीकी से इसे बनाया जाता है, इसमें कलर किया जाता है, और सबसे खास बात, इसे अगर हम लेंगे तो पोल्यूशन कम होगा, चीज़ें अच्छी होंगी। और आज मैं आप सभी को ये दिखाऊंगी कि कैसे दिए बनाए जाते हैं। ये अभी आप क्या कर रहे हैं, आपने इसको मिट्टी को भिगो के रखा है पहले? भिगो कर रखा है जी पहले, अब इसका मैं गुंदा बना रहा हूँ चाक पर रखने के लिए, बर्तन बनाने के लिए। अब मैं इसका ये गुंदा तैयार हो गया है, अब मैं इसके जो भी बर्तन बनाऊंगा वो बनाता रहूँगा इसके। अच्छा। हाँ, जो गीली मिट्टी है ये आपने, ये इधर ये आप देख सकते हैं पूरी गीली मिट्टी इन्होंने की हुई है। कितने दिन पहले आपने ये मिट्टी कर दी थी गीली? ये 4-5 दिन पहले मिट्टी गीली करके लगाई जाती है, पैरों से गागू करना आराम से। अच्छा। बढ़िया कर एक जगह लगा लेते हैं, फिर इसमें से काट काट के अपने गुंजे बनाए जाते हैं और अपने बर्तन बनाए जाए। ये जो आप मिट्टी यूज कर रहे हैं कैसी मिट्टी है ये? ये चिकनी और काली मिट्टी है। अच्छा। हाँ जी। इसको कहाँ से लेकर आते हैं? इसके गांव से लेकर आते हैं बरकत, ट्रैक्टर में देने पड़ते हैं 4,000-5,000 रुपये ट्रैक्टर वाले को देने पड़ते हैं। अच्छा। जब बरकाती है जी। आप कब से इनकी जो आपने शुरुआत की, कब से कर रहे हैं ये काम? ये तो मैं शुरू से मेरे बाप के आगे से ही कर रहा है, मेरे बाप बनाते थे। अच्छा। हाँ, उनसे सीखा था और उनके आगे का काम चालू कर दिया था। अच्छा। हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया फिर भी? मेरे को कम से कम भी 40 साल हो गए काम करते। अच्छा। हाँ, तो अभी जैसे आप ये बना रहे हैं तो आपने कितने दिन पहले ये शुरुआत कर दी है? अब दिवाली के काम के लिए मैं कम से कम भी 3 महीने पहले काम शुरू कर देता हूँ। अच्छा। बीच में अपने घरेलू काम हो जाते हैं ना, घंटे के 2 घंटे के, कभी सारा दिन के भी हो जाए, गाँव भी चले जाए, तो इस करके वो टाइम लगता, कभी बारिश आ जाए तो बंद हो जाएगा, बारिश अब आ जाए तो बंद हो जाएगा मेरा काम है। ये तो धूप निकला, खुला मौसम हो तभी काम चलेगा जी मेरा। चलिए ठीक है, अभी आप हमें बना के दिखाइए। अब ये अभी आप क्या कर रहे हैं? ये उंगली का अपना धागा बांध रहे हैं, जो दिया बनाएंगे या मटका बनाएंगे उसको काटने के लिए, नीचे रखने के लिए काट के। ये बनाने के बाद यूज किया जाएगा? हाँ। अब देखो, अब मैं अपना ताक चला रहा हूँ। अच्छा। ये अभी इन्होंने अपना चाक चलाया है जिस पर दिए बनेंगे, मटके बनते हैं। हाँ, गुंदा लगा दिया हमने अपने ताक पे और हमने अपना काम शुरू कर दिया है। मिट्टी को प्रेस करना पड़ता है। ये दिया बन गया। अच्छा, ये आप देख सकते हैं, इन्होंने, कृष्ण जी ने दिया बना दिया है ये मिट्टी रख के, और ये दिया बन चुका है। अब इसको काटे जाएगा, जो आप धागा पहले जो इन्होंने दिखाया था वो अब यहाँ पर यूज किया जाएगा। हाँ, ये कट गया जी। ठीक है, और ये बच्ची रख रहे हैं, चोंच बना दी इसकी। अच्छा। हाँ, ये तैयार हो गया जी मेरा। ये देखिए, इन्होंने एक दिया बना के दिखाया और जो धागा था उसके साथ इन्होंने दिया काटा है, तो आप एक धागे का देख सकते हैं यहाँ पर इस्तेमाल कितने अच्छे तरीके से इन्होंने किया है। ये दूसरा दिया बना है और ये जो धागा है, ये धागे का इस्तेमाल करा। अरे, ये हमने सोच बना दी बत्ती रखने के लिए। आगे जो हम दिए की जो बाती रखते हैं उसके लिए इन्होंने वो जगह बना दी है, और आप इस तरह से देख सकते हैं ये ऐसे करके। अच्छा, ये तो बहुत जल्दी जल्दी दिए बन रहे हैं, कितने दिए बन जाते हैं एक बार में? सारे दिन में 500-600 दिए बना देते हैं हम। अच्छा। हाँ, ये जो दिए आप बना रहे हो, क्या रेट क्या है इनका? इनका है जी रेट, ये मान लो 500-1,000 का रेट है फिलहाल थोक का। हाँ जी, मटका बना के दिखा देता हूँ आपने। अच्छा, ये अभी इन्होंने बोला है कि मटका बना के दिखाएंगे, और आप देख सकते हैं जो एक कारीगर होता है वो मिट्टी को किस तरह से उसमें आकार देके और अच्छी चीज़ें बनाता है, और आप ये देख रहे हैं कि ये अभी फ़िलहाल
एक मटका बना के दिखा रहे हैं हमें। और ये मटका बनकर तैयार हो चुका है और फिर से उस धागे के साथ इन्होंने काट दिया। अच्छा, इसमें काफी चीजों का ध्यान रखना पड़ता होगा ना? हाँ जी, हाँ जी। क्या क्या चीजें ध्यान रखनी पड़ती है इसमें? एक तो ज्यादा गीली मिट्टी ना हो, ज्यादा टाइट ना हो, मेन चीज तो है ये। फिर पानी का ध्यान रखना पड़ता है। पानी हमारा ये कुंडा रखा है ना, इसमें पानी हम लेते हैं इससे। हाँ, इसमें जो ज्यादा मिट्टी लग जाती है, जैसे ये लग रही है हाथ पे, इसको हम पोंछते हैं इसमें। ये डिजाइन के लिए लकीर खींच दी इस पर। अच्छा, ये आपने उंगली के साथ ही इस पर डिजाइन बना दिया? हाँ हाँ। और ये आप देख लो कि इन्होंने उंगली के साथ इस पर जो ये लाइनिंग आपको दिख रही है, ये डिजाइन है, सोने के बाद आपको हाँ। बहुत अच्छी दिखेगी। हाँ जी। अच्छा, आपको क्या लगता है जो अभी नई चीजें आई हैं उनका कितना असर पड़ा है इन चीजों पर? क्योंकि आपको 40 साल हो गए हैं, पहले के टाइम पर और अब के टाइम पर आपको क्या चीजें अलग देखने को मिली? देखो जी, आजकल तो वैरायटी चल रही है, सभी अलग अलग चीज़ें चल रही हैं। बाकी जो पहले वाला टाइम था वो अलग ही था जी। क्या क्या अलग था? उसमें सस्ता ज़माना था जी, सारी चीज़ बढ़िया थी उसमें, हैं, हर एक चीज़ टाइम पर मिला करती। अब ना तो टाइम पर मिलती जी, ना मिट्टी मिलती है हमने, हैं। अच्छा। हाँ, अब इसके लिए हम पकाने के लिए हमने उपड़े खरीदने पड़ते हैं, गोशे बोलते हैं जिसको, तो वो बहुत महंगा है, 10-10 हज़ार का बटोड़ा खरीदना पड़ता है हमें, हैं। मटका उसमें टूट फूट भी होती पकाने में हमारी, तो कुल मिला के मतलब बचत वगैरह कमी आती है। ये गिलास तैयार हो गया जी, आप ये देखिए। और इन्होंने बातों बातों में एक गिलास भी तैयार कर दिया है। अब मैं एक बार इसको मैं भी ट्राई करके देखूँ, बना के देखूँ मैं बना सकती हूँ इसको। मैं कोशिश कर रही हूँ बनाने की, पर देखती हूँ बनेगा या नहीं बनेगा, पता ही नहीं क्या बन सकता है। ये बहुत टाइट है और जैसा देखने में आसान है वैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइट है ये मिट्टी। और ये दीवार जो है वो बनकर तैयार हो गया है। तो ये दीवार तैयार है और आगे भी आपको सारी चीजें दिखाएंगे कि अब इस पर पेंट किया जाएगा, इसको सुखाया जाएगा, किन किन चीजों का इस्तेमाल किया है और कितनी ज्यादा मेहनत लगती है। और अब मैं वहाँ पर आई हूँ जहाँ पर ये धूप में सुखाए गए हैं और आप इधर से देख सकते हैं। ये जी हमने सुखाया है, सूखने के बाद इस पर रंग करेंगे पेंट, पेंट करके फिर इसको पकाएंगे। ठीक है। हाँ, कितना टाइम लग जाता है इन्हें सूखने में? इसमें जी समझो सारा दिन तो लग जाएगा आज का। अच्छा, और अगर बारिश हो तो फिर मेहनत तो अंदर रखेंगे, फिर नहीं सूखते, फिर तो 2 दिन लग जाए, 3 दिन लग जाए जी। मतलब आपकी एक जो इच्छा रहती है, भगवान से प्रार्थना रहती है, वो यही रहती है कि बारिश ना हो ताकि जल्दी से जल्दी सूख सके। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, ये आपने इधर ये क्या चीज बनाई हुई है? ये बनाया हमने करवा। करवा? अच्छा, ये करवा चौथ का, ये करवा है, मैं दिखा दूँ। और ये थोड़ा सा गीला है अभी, और इसके अंदर एक ये जो छेद किया हुआ है, इसका क्या महत्व है और ये क्यों किया गया है? ये करवा ही इसी वास्ते है जी। अच्छा। हाँ, बगैर छेद की तो ये है जी। अच्छा, ये छोटी कमोई है। तो इसमें और इसमें अलग क्या है? इसका व्रत होता है करवा चौथ का, जनानियाँ रखती हैं। अच्छा। अपने आदमी के नाम का, और ये इसका व्रत होता है बच्चों के नाम का। ठीक है। हाँ जी, तो ये इसमें ये रखा क्यों गया? इसी से करवा बनाया है जी, ये ना तो ये बरौली रह रहे जी। अच्छा। हाँ, तो अब इसमें पानी डाल दें? हाँ, पानी डलेगा इसमें भरने के बाद, ऊपर इस पर ढक्कन होगा, ढक्कन के बाद उस पर गेहूँ के अनाज के दाने होंगे, उस पर कुछ फल वल रखेंगे, फिर इसकी दो मारेंगे वो जी। ये करवा है जो
औरतें अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं, व्रत करवा चौथ का उसके लिए यूज़ होता है, और जो पहले दिखाया जिसके अंदर छेद नहीं था वो करवा है जो औरतें अपने बच्चों के लिए रखती हैं, वो कमोई है वो। और इनके अच्छा ये आप जो बनाया है इनका कोई साइज रहता है? इनका स्टैंडर्ड साइज हो है जी। अच्छा हाँ जी। अभी मैं उस जगह पर हूँ जहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो दिवाली की तैयारियां हैं वो हो रही हैं, और जो दिए बन चुके थे, मंदिर बन चुके थे, उन पर कलर किया जा रहा है, उनको सुंदर बनाया जा रहा है। मेरे साथ यहाँ पर तोताराम जी हैं और इनसे पूछती हूँ, तोताराम जी आपको कितना टाइम हो गया इस काम को करते हुए? मेरे को बचपन से, आज 63 साल की उम्र हो गई जी, बचपन से करता आ रहा हूँ मैं। बचपन से करते आ रहे हैं। अच्छा मैं ये देख रही हूँ कि अभी एक नई टेक्निक यहाँ पर देखने को मिली कि जो कलर है वो एक मशीन से किया जा रहा है। तो तोताराम जी पहले में और अब में कितना बदलाव देखने को मिल रहा है? बहुत बदलाव है हो गया जी। पहले तो हाथ से ही होता था सब काम, अब तो ये मशीन ने भी आगे बने बनाए रंग आने लगे, पहले रंग बनाने भी पड़ते थे। जो बारीकी की चीज़ें हैं वो हाथ से की जाएंगी। ये अभी आप देख रहे हैं एक मंदिर है, और यहाँ पर इस मंदिर पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी चीज़ें इन्होंने लगाई हुई हैं, फूल पत्ती यूज़ किए हुए हैं। और अच्छा ये जो लड़ी वगैरह लगाई हैं आपने, ये जो तोते बनाए हैं, ये मिट्टी से हैं या मिट्टी के हैं? सब मिट्टी का माल है, तार का काम है, इसके अंदर तार लगे हुए हैं। अच्छा। इसके अंदर तार लगे हुए हैं। ये आप देखिए कि इधर इन्होंने एक फूल बनाया है, ये मिट्टी का है, और इसके नीचे तार का यूज़ किया गया है इसको यहाँ पर बनाने के लिए, और इधर इन्होंने तोता यूज़ किया हुआ है। और ऐसा है जी, पहले से अब मैं ये मशीन आ गई है ना, तो इसमें कोई जो पहले बनाते थे ना हाथ से वो चीज़ कुछ और बनती थी, मशीनों द्वारा जो चीज़ होती है वो कुछ और होती है। आसान थोड़ा सा हो गया है ज़रूर, लेकिन मेहनत उतनी है, आसान जरूर हो गया थोड़ा, मेहनत उतनी है। अच्छा आसान हो गया, मेहनत उतनी ही है। और एक चीज़ और अगर मैं इसमें ऐड करना चाहूँ तो, पहले जो ब्रश होती थी उनका यूज़ करते थे, अब जो मशीन है इस पर भी पैसे लगे होंगे, कितने की आई होगी ये मशीन? ये 1000 रुपये की मशीन आई, 10000 रुपये का कंप्रेसर आया, बाकी फिर रंग आए। जो मंदिर बनाए गए थे उसमें काफ़ी डिज़ाइन देखे होंगे आपने, अलग अलग डिज़ाइंस बनाए हुए, तो वो डिज़ाइन कैसे बनाते हैं वो ये आपको एक बार बताएंगे। ये हमारे पास गीली मिट्टी है, इस मिट्टी की हम रोटी बना लेंगे बड़ी बड़ी रोटी बना के, और उससे हाथ से कटाई करेंगे, और फिर उसका कैड़ा करके फिर उसको जोड़ा जाएगा, फिर मंदिर बनेगा, फिर उसके ऊपर गमला बना के लगाएंगे, तोता बना के लगाएंगे, चिड़िया बना के लगाएंगे। अच्छा। हैं, उसका एक मंदिर के लिए ताल बना के लगाएंगे, घुंघरू जैसा उसके लिए बनाना पड़ता है, इसी मिट्टी का सब कुछ बनता है। अच्छा, तो इस जो डिज़ाइन बनाया था वो कैसे बनाते हैं, हाथ से बनाते हैं या फिर कोई साँचा है उसके लिए? कौन से डिजाइन से का? आपने मंदिर पे दिखाए हैं, डिजाइन है जो वो एक फरमा होता है हमारे पास, उस फरमे में गीली मिट्टी डाल के उसको कैड़ा करके, और फिर उस पर डिजाइन, जैसे ऐसे मिट्टी में डिजाइन आ जाते हैं। अच्छा, ऐसे ये देखिए, ये इनका एक साँचा है जिससे डिजाइन बनाया जाता है, और ये भी मिट्टी का ही बनाया है, ये जो खास बात है, मिट्टी से ही और दूसरी मिट्टी पर डिजाइन दिया जाता है। ये आप देखिए, अलग अलग डिजाइन के इन्होंने साँचे बनाए हुए हैं, और ऐसे अच्छा ये एक बार करके दिखाएंगे, ये मिट्टी इन्होंने रखी है यहाँ पर, और ये दबाव लगाया है मिट्टी पर, और जब ये मिट्टी निकाली जाएगी, ये गीली निकाली जाएगी? हाँ गीली निकाली जाएगी। अच्छा, ये लो, ये ऐसे है बन गया है ये, और इसको ऐसे करके ऐसे निकाल देंगे। ये एक डिज़ाइन बनाया है, गीली मिट्टी है ये, और देखना पड़ता है इसके लिए भी ज़्यादा टाइट ना हो, ज़्यादा ढीली ना हो मिट्टी, और इसके अंदर डाल के इन्होंने ये डिज़ाइन बन गया। ऐसे ही ये बहुत सारे डिज़ाइन बनाते हैं। अच्छा ये जो डिज़ाइन बनाया है इसमें खास बात ये है कि ये भी मिट्टी से है,
तो ये जो डिजाइन बनाया है आपने, ये कैसे बनाया, हाथ से बनाया? हाँ, ये हाथ से बनाया। पहले आपने तैयार कर लिए हैं डिजाइन और फिर उनको बार बार यूज कर रहे हैं आप? पहले इसको ऐसे मिट्टी का बनाया, उसको हाथ से काट के कटाई करके उसमें हाथ से तैयार कर दिया। फिर हमने उसका मिट्टी का फर्मा तैयार किया। उस फर्मे द्वारा हमने चाहे 100 निकाल लें चाहे 50 निकाल लें, हाथ से तो एक पीस एक ही बार बनेगा। अच्छा। इसलिए फिर फर्मा की जरूरत पड़ती है। मैं यहाँ पर आई थी तो मेरे को काफ़ी सारी चीज़ें दिखी हैं जो मिट्टी से ही बनाई हुई हैं, और आप इधर देख सकते हैं जो हरियाणा की एक शान कहते हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो हुक्का पीते हैं और उसके ऊपर जो चिलम लगाई जाती है वो यहाँ पर आप दिख रहेगी, और इन सब के बीच आपको दिख रहा होगा ये शेर जो मिट्टी से ही बनाया हुआ है, और आप इसमें देख सकते हैं कितनी बारीकी से काम किया गया है। और जो ये यहाँ पर अलग अलग जो चिलम दिख रही हैं उस पर भी जो डिज़ाइन बनाए हुए हैं आप देख सकते हैं कितने सुंदर डिज़ाइन हैं। और अगर ध्यान से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो हर एक चिलम पर अलग अलग डिज़ाइन है, किसी पर दिल बनाया हुआ है, किसी पर फूल बनाया हुआ है, हर डिज़ाइन अलग है सबका, काफ़ी बारीकी का काम है ये। और मिट्टी को कैसे तैयार करें, कैसे बनाएं, उसको नया आकार दें और ये चीज़ें सारी तैयार करें, एक कुम्हार से बेहतर कोई और नहीं जान सकता कि इस पर कितना टाइम लगता है। इस दिवाली आप मिट्टी के दिए हैं उनका यूज़ करें, जो फुलझड़ी हैं उनको कम यूज़ करें। और ये करवा है जो काफ़ी आप देख सकते हैं काफ़ी सुंदर लग रहा है, और इस पर काफ़ी बारीकी से काम किया गया है, इस पर लेस लगाई गई है, और आप ये इधर देखिए इस पर ग्रीन और येलो कलर का इन्होंने डिज़ाइन बनाया है ताकि अच्छे दिख सके। इसमें कितना टाइम लगा आपको? एक बनाने में इसके लिए कम से कम भी 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। अच्छा। हाँ जी। और जो ये मैं देख रही हूँ ये कलर नहीं किया हुआ, इस पर पट्टी बनाई हुई, ये कैसे बनाई है? ये उससे बना रखी है, कलम से। कलम से। हाँ जी। अच्छा, और अभी ये बनकर तैयार हो गई है। हाँ। कितनी बन चुकी है अभी तक? ये हमारे पास फिलहाल 50 पीस तैयार हुए हैं, 3 जन में। अच्छा। और इसका क्या रेट है? इसका रेट होगा जी कम से कम 80 रुपये एक करवे का। अच्छा, ये 80 रुपये का एक करवा है। और अगर मैं पूछूं, मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ, अगर मैं पूछूं कि जितनी आपने इस पर मेहनत की और 80 रुपये आपने इस पर आप इसको बेचोगे 80 रुपये में, तो क्या उतनी मेहनत आपकी कंप्लीट हो गई, सफल हो जाती है? ना, सफल तो नहीं होती जी, फिर नहीं है कि ठीक है जी करना पड़ता है, कुछ वहाँ आर्डर करना पड़ता है जी काम तो। अच्छा। है हाँ ना, मेहनत के हिसाब से तो आधा मोल है इसका 80 रुपये, क्यों बनाना भी, मिट्टी भी बनानी, फिर पकाना भी जी, फिर इस पर पेंट भी करना, बहुत मेहनत हो जाएगी। अब 3 दिन में 50 करे लड़के ने तैयारी, बाकी बनाए मैंने थे ये। अच्छा। तो ये इसको कच्चे मिट्टी बनाई, फिर सुखाया, फिर पकाया, फिर इस पर पेंट होया है जी। और अब तो सबसे ज़्यादा जो डिज़ाइनिंग वाले करवे हैं, मटकी हैं, इन्हीं का ज़्यादा डिमांड रहती है? हाँ, आजकल इसका चलन हो रहा है जी, डिजाइन वाले का। पहले तो नहीं होता था ये? पहले साझे चला करते जी सब। अच्छा। हाँ जी, ये तो चलन तो अब होया है इसका। अच्छा, पहले के टाइम में और अब के टाइम में अगर मैं रेट की बात करूँ तो कितना क्या फ़र्क आया? फ़र्क तो जी महंगाई है सब चीज़ों में। पहले करवा हमारा 5 रुपये का 10 रुपये का जाया करता जी सादा करवा, अब मान लो हम रंग का 30 रुपये का दे रहे हैं सादा करवा, तो महंगाई तो हर एक चीज़ में है जी, तो महंगाई के हिसाब से चलना पड़ा है जी। पहले हम 10 रुपये में भी 1 रुपया 2 रुपया बच जाता था, हमने बचा तबारी आ जाती, अब 30 रुपये में भी नहीं बचता, इतनी महंगाई हो रही है। मतलब महंगाई का जो असर है वो हर तबके पर देखने को मिल रहा है, हर जगह देखने को मिल रहा है। फिर अच्छा, इस दिवाली आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हम तो ये कहाँ जी, खुशी से सभी की दिवाली बनी, मने अच्छी तरह, बहुत बढ़िया अपना त्यौहार मने जी, साल भर का त्यौहार है, और बड़ी अच्छी तरह धूमधाम से मने सब सभी का जी, छोटे का भी बड़े का भी सबका। ये नहीं कहना चाहेंगे कि हमारे ज़्यादा से ज़्यादा बिक्री हो और दिए सबसे ज़्यादा लें? हमारा भी जब भी बनेगा जी, हमारे भी कहेंगे तो हमारा भी त्यौहार बनेगा जी। बिल्कुल, जब तक दिए नहीं बिकेंगे तो इनका त्यौहार कैसे बनेगा, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप दियो का यूज़ करें। और पहले के टाइम पे दियो का और अब के टाइम पे दियो का जो लोग लेते हैं उनमें कितना फ़र्क आया? देखो जी, बहुत पुराना तो दीवा ठीक चलता था, उसके बाद फ़र्क पड़ गया दीवा का, ये चाइनीज़ माल आ गए जी,
मोमबत्ती वगैरह दिए वगैरह चाइनीज आ गए थे, हैं लड़ियाँ आ गई थी। अब ये सरकार ने ये लड़ी बड़ी बंद करवा दी हैं, तो अब देखो जी दिवाली पिछली दिवाली भी कुछ ठीक थी, अब देखो अब का फिर कैसी रहेगी कैसी नहीं जी। हमारे हिसाब से तो ठीक रहनी चाहिए, जब हमारा माल बिकेगा तो ठीक होगी जी। हाँ जी, और ये जो दिए हैं, एक और चीज़ मैं बता दूँ, सिर्फ दिवाली के लिए नहीं, दिवाली पर तो यूज़ करते ही हैं, बट आगे के लिए भी हम इकट्ठा करके रख लेते हैं ताकि कोई भी पूजा करें तो हम उन दियों का इस्तेमाल कर सकें। इस दिवाली आप ज़्यादा से ज़्यादा दिए खरीदें और आप सभी को हैप्पी दिवाली।